प्रोग्रामिंग एरे लॉजिक, ये PLA से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी एक आर्किटेक्चर लॉजिक डिवाइस है जिसमें जो एंड गेट्स यूज होते हैं वो तो प्रोग्रामेबल होते हैं, लेकिन जो और गेट्स होते हैं वो प्रोग्रामेबल नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं। कैसे वो हम देखेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ए बी सी थ्री वेरिएबल्स जिनको हमने कॉम्प्लीमेंट्स भी लिए हैं, और ये हमारे पास टोटल 9 एंड गेट्स हैं और ये और गेट्स हैं। जो एंड गेट्स हैं वो हमारे प्रोग्रामेबल फिलहाल नहीं है, हम इन्हें प्रोग्रामेबल करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन और गेट्स ऑलरेडी प्रोग्रामेबल हैं। ये 3 जो कनेक्टेड है, ये कनेक्शन शो किए गए हैं, बाकी कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है, बाकी 3 इस और गेट के साथ कनेक्टेड है, ये 3 इस और गेट के साथ कनेक्टेड है। यानी कि और गेट जो कि ऑलरेडी जो फिक्स्ड हैं, लेकिन एंड गेट जो कि प्रोग्रामेबल हैं, जिन्हें प्रोग्राम करना पड़ेगा, एंड गेट को और गेट फिक्स्ड हैं, उनको प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। अब वो देखेंगे कि कैसे हम इसमें करेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स है ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं 2, 3, 5, 7, वाई है ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं 0, 1, 5, जेड है ए बी सी 4 यानी 3 वेरिएबल्स हैं 0, 2, 3, 5। एक्स वाई और जेड ये हैं, एक्स वाई जेड जो भी इसका बुलियन एक्सप्रेशन आएगा आप उसे के मैप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ए बी सी यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 सेल्स के मैप बनाइए और उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे हमारे पास बुलियन फंक्शन आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, के मैप का यूज नहीं कर रही। इसकी वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी, के मैप में अप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसकी वैल्यू आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, अब इसका हमने PAL प्रोग्रामिंग एरे लॉजिक करना है। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये के मैप से आई हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इस विन वैल्यू को के मैप में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपके पास यही वैल्यूज आएंगे बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करके। 8 सेल्स के मैप का यूज होगा, उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, पेयरिंग कीजिए, तो आपके पास यही आंसर आएगा एक्स वाई जेड का। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें 9 एंड गेट्स का यूज किया गया है। ऐसा क्यों? 3 वेरिएबल्स ये हैं, 3 ए है, 3 ए है, टोटल 9, तो 9 एंड गेट्स का यूज किया है। पहले एंड गेट की इनपुट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये है ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी, इसकी और जो एंड गेट की आउटपुट आएगी वो आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी। दूसरा एंड गेट ए सी, ए और सी, ए यहाँ से गया, सी यहाँ से गया, ए सी। अब जो थर्ड है उसमें कुछ यहाँ पे देखिए, थर्ड हमारे पास कोई है ही नहीं है इनपुट, तो ये क्रॉस कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वेरिएबल के लिए, नेक्स्ट वेरिएबल्स के लिए, बीसी के लिए, पहला है ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो इस एंड गेट की जो आउटपुट आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से गया और सी यहाँ से गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ से, और थर्ड है ही नहीं तो मतलब इसका भी कोई यूज नहीं हो रहा, इसको क्रॉस कर देंगे, ये किसी भी फ्यूज के साथ कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट के लिए, जेड के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट गया, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी आउटपुट आएगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से गया सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट सी इसकी आउटपुट। नेक्स्ट है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए यहाँ से, बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से गया, सी यहाँ से जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो इसकी आउटपुट आएगी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। देखिए याद रखिए, ये ए को शो कर रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट को, ये बी को शो कर रहा है, ये बी कॉम्प्लीमेंट को, ये सी को, ये सी कॉम्प्लीमेंट को, नोट गेट लगे हुए हैं,
इसी वजह से कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हमारे पास x, y, z की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी क्योंकि तो फिक्स्ड है, हमने इनको प्रोग्राम किया है, लेकिन इनको प्रोग्राम नहीं किए तो ऑलरेडी फिक्स है। तो और इस और गेट की इनपुट क्या आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी ए सी, जो कि ऑलरेडी फिक्स है, इस पे क्रॉस है, मतलब इस पे कोई भी आउटपुट नहीं आई है, मतलब ये यूज नहीं होगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी और प्लस ए सी, तो x के इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी। x की और y की वैल्यू सेम, y के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, जो कि इस और गेट के y, ये z के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये गए इस और गेट के आउटपुट आई है z, ये देखिए z। तो इस तरह से जिसमें जो हमारे ये जो होते हैं इसमें और गेट फिक्स्ड होते हैं, और गेट क्या होता है, लेकिन जो हमारे एंड गेट होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।